आपने यूथ को पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में दीगर जगह पे इस पर्टिकुलर जॉनरे को आपने क्यों टारगेट किया, या मतलब टारगेट से मतलब क्यों फोकस किया, क्या रीजन है उसकी? I wish more people can ask me this question. मैं आपको बताता हूँ, जब आपने बड़ी चेंज लेके आनी होती है तो आप अगले अगले वक्त को देखते हैं, आने वाले वक्त को. और मैं वो क्लिशे एक जुमला नहीं बोलूँगा कि वो यूथ हमारा फ्यूचर है, तो मैं इसके पीछे जो साइंस है वो थोड़ी सी बता देता हूँ 30 सेकंड्स के अंदर. जी ज़रूर. कि जब भी आप किसी भी इरा को चेंज करना चाहते हो, जो कि मेरा लाइफ का पर्पज़ है, मेरे पास और कोई ज़्यादा वक्त तो है नहीं, तो जब हम ईरा ऑफ थॉट को चेंज करने का एक मिशन लेके चल रहे हों, जो कि हम आई एम श्योर हर कोई एक हर मैं अपने आप को जी अकल तो नहीं कहूँगा, मगर किसी बंदे को भी थोड़ी सी कॉमन सेंस भी हो तो उसको पता चल जाता है कि हमारा जो इस वक्त का प्रिवेलेंट थॉट मॉडल है वो उसके अंदर ही इतने फ्रैक्चर्स हैं कि अगर विरसे में बच्चों को दे दिया तो उन्होंने तो और बढ़ा देना है उन फ्रैक्चर्स को. तो जब आप किसी भी एक ईरा को का स्लाइस लेते हैं तो आपको वो तीन नस्लें चाहिए होती हैं, वो दादा की, वो बाप की और पोते की, कि जिसके थ्रू आप दादाजी के किए गए तमाम तरह कारनामों को, मैं तंजन कह रहा हूँ, कि जो मामला जो उन्होंने ख़राब किए हैं सोच में, वो बाप तक तो चले जाएं मगर पोते तक ना जाएं. तो हम बाप को वो ताकत देते हैं कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करके चैलेंज करेंगे, जो पहले चलता आ रहा है उसको रोकें. सो क्योंकि एक ख़ास उम्र के बाद इंसान की अपनी एक एरोगेंस होती है, एक मोमेंटम होता है, फटीग भी होती है कि अब मैं कौन बदलेगा इस चीज़ को, विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल इन ओल्डर पीपल. तो हमने सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया मेरी टीम ने, कि आप सबसे पहले तो उन बच्चों को पकड़ें कि जिन तक अभी ये रेडिएशन नहीं आई हुई उस फ्रैक्चर्ड थॉट प्रोसेस की, कि जिसके थ्रू हम इन तमाम तर स्टैंडर्ड्स को सही मान चुके हैं, जिनके बाद हम बार बार पिट रहे हैं, दुनिया में पसपा और रुसवा हो रहे हैं. सो आई स्टार्टेड गोइंग टू द ग्रैंड सन बिफोर एनी एक्चुअली आई वेंट टू द सन. पहले मैं कॉर्पोरेट में बड़ी कोशिश की है, मैंने फिर पब्लिक फोरम्स के ऊपर बहुत कोशिश की, बट आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. और वो रेजिस्टेंस कोई रैशनल आर्ग्यूमेंटेशन बेस नहीं थी, बस वो हर धर्मी की बेस पे थी, जो कि बायसनेस के अंदर होती है, जो कि कोई बात नहीं, आती है, हर सोसाइटी में होती है, वो ब्राज़ील हो, अमेरिका हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो. सो मैंने सबसे पहले उस ईरा ऑफ थॉट को, अगले 100 साल का जो प्लान हमने बनाया है, उसमें ये जो इस वक्त का यूथ है, इनको बाप बनने से पहले पहले वो चैलेंज क्रिएट करना सिखाना है, कि इससे पहले कि आपके बच्चे हों, आप अम्मी बने या अबू बने, उससे पहले आप अपने किए गए अम्मी और अबू के जो कारनामे हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज कर सकें, कि वो साइकिल रिपीट ना हो, दोबारा से नवाज शरीफ, इमरान खान ना आए हमारे ऊपर. डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर को चेंज करें और ट्रू आइडेंटिटी को अपने पास क्रिटिकली एवेल्यूएट करें. मैं ये नहीं कहता क्या कि यूथ को कि मैं सही हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप चेक करें कौन से क्या सही है, कौन सही है और गलत है खुद ही पता चल जाएगा. सो वी हैड टू अप्रोच द जब आपने बीमारी की रोकथाम करनी होती है तो सबसे पहले उन लोगों को अलग करते हैं जिन तक अभी वायरस नहीं गया हुआ, तो इसलिए मैं यूथ तक गया हूँ. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें. डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब. बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर घेरा तंग हो गया है. बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज. बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.